हेलो जी, सवाल पूछिए अपना उमेश जी। मैडम, मेरे पास इरेडा के 842 शेयर है। ओके, 842, ये तो हाल फिलहाल की खरीद आपकी लग रही है। जी, आपकी हाल फिलहाल की खरीद है। आशा, आप ही हाँ जी, सजेस्ट कीजिए। ये लिस्टिंग भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को, क्या सलाह देंगी? अगर हम बात करें तो लिस्टिंग तो बेहतरीन हुई थी यहाँ पे, और जिस तरह की लिस्टिंग हुई थी उसके बाद तो बहुत तेज हो गया था ये स्टॉक। इसका एक ही पॉजिटिव था कि ये ग्रीन फाइनेंसिंग में था, जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फाइनेंसिंग में ये था, और उसी वजह से इसकी यूनिकनेस की वजह से इसको इंस्टीट्यूशंस को भी ये स्टॉक काफी पसंद आता था, और इसने बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी दिखाया है। अभी के जो नतीजे आए हैं वो ठीक ठाक हैं, अच्छे ही नतीजे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हमें जहां तक ध्यान आता है तो ये बिलो 100 रुपीज के आईपीओ पे आया था और अब तो कहाँ पहुंच गया है। तो सर, इसको थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे के स्तरों से बहुत दौड़ गया है। रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन वैल्यूएशन अब थोड़े से महंगे हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के इसको होल्ड करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो इनके रिटर्न्स हैं वो आने को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न्स देखते हुए नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा।